नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। जातिगत आरक्षण सहित अन्य मुद्दों को लेकर भीम आर्मी ने रीवा के विवेकानंद पार्क से एक रैली निकाली। शहर भ्रमण करने के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर अपनी कार्रवाई कराने की मांग की। भीम आर्मी ने निकाली रैली विवेकानंद पार्क से। शहर में जातिगत गणना आरक्षण सहित रहे विभिन्न मुद्दे शामिल। कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम लोग रहे मौजूद। भीम आर्मी ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया, ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पदाधिकारियों ने बताया, पूरे देश में सामाजिक न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग शामिल है। मध्य प्रदेश में आरक्षण खत्म करने की साजिश रची जा रही है। सरकार आरक्षण खत्म करने जा रही है। कुछ लोग हैं जो आरक्षण खत्म करने का दबाव बना रहे हैं। पदाधिकारियों ने कहा, हमारी संख्या 90% है, जातिगत आरक्षण किया जाए। आने वाले चुनाव में हम दिखा देंगे हमारी क्या ताकत है। आने वाले समय में बड़ा आयोजन हम भोपाल में करेंगे, जहां मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनसे बात की जाएगी। सरकार ने अगर हमारी बात नहीं सुनी तो 2023 के चुनाव में हम अपनी ताकत दिखाएंगे और सरकार को पलट देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूँ रीवा के व्यस्ततम कॉलेज चौराहे के पास। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ एक रैली निकल रही है। बात करो, हमारे साथ भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये आज भीम आर्मी, हम लोग आज सामाजिक और ये आपका मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में एक विधानसभा निकल रही है और ये 12 फरवरी को जनसैलाब हमारा भोपाल पहुंचा 1,00,000 लोगों को लेके। और जातिगत हमारा मुख्य मुद्दा है, एक कराई जाए और SC ST एक्ट को जो हमारा आरक्षण है उसको नवी सूची में डाला जाए। जरूर जरूर मान, जिस तरीके से आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, जातिगत सरकार सुन लेगी तो फिर अगला स्टेप किस तरीके से? देखिए, अभी हमारा आंदोलन पूरे देश में जारी होने वाला है। सरकार नहीं सुनती है तो मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव होने वाले हैं। हम लोग 2023 में बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो भीम पार्टी के तरह हम लोग 2023 में से बदला लेंगे और सभी इसके लिए सामाजिक संगठन हमारे साथ है। अगर जातिगत आरक्षण सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो निकट भविष्य में चुनाव है, हम सरकार को देख लेंगे। किस तरीके से देखेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जो अभी तक चुनाव देखेंगे तो SC ST OBC के वोटों की नीलामी होती है और जब जब चुनाव आता है तब आरक्षण हो चाहे किसान हो के लिए ऑटोमेटिक बच जाते हैं। तो भोपाल के अंदर जो आंदोलन हुआ तो मैं आपको शुभमन कह रहा हूँ कि वो सरकार के क्षेत्र हुआ। सरकार अगर चाहती तो एक भी परमिशन मिला तो सरकार सिर्फ आरक्षण के मुद्दे पर भी सरकार चल रही है। उनके पास रोजी रोटी, कपड़ा मकान, किसानों के मुद्दे, अत्याचार, ये सब मुद्दे नहीं उनके पास में। ये सरकार जो है वो समझ चुका है SC ST OBC और हम इस चीजों को लेकर गांव गांव जा रहे हैं या बताने का प्रयास कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को लगभग यहाँ पर 20 साल हो चुके हैं राज करते करते, लेकिन अब प्रदेश की देखिए वैसी वैसी बनी हुई है। तो सरकार को हम देख लेंगे, निकट भविष्य में चुनाव है। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगली बार हम बदल देंगे। उसके पास कोई मुद्दे नहीं है। बात बेरोजगारी, रोजगार को होनी चाहिए थी, लेकिन वो SC ST OBC के नाम पर लगातार काम कर रही है लेकिन हमारी बात नहीं सुन रही है। अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।